आज का ये कुश्ती का मैच बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। ये मैच एक आम आदमी और रेसलिंग के बादशाह कर्ट एंगल के बीच होगा। दोस्तों, ये मैच रोमांचक इसलिए है क्योंकि यह हमारे आम आदमी ने खुद हमारे रेसलिंग के बादशाह को चैलेंज किया है। तो अब मैं इस रिंग में बुलाना चाहूंगा हमारे चैलेंजर, जो कि 5'6" के हैं और 50 किलो वजन के हैं, मिस्टर अमृतलाल दगली जी। और दोस्तों, अब मैं उसे बुलाने जाऊंगा जिसका हम सभी को है बेसब्री से इंतजार। अब मैं बुलाऊंगा 6 फीट हाइट वाले और 108 किलो वजन वाले वर्ल्ड चैंपियन कर्ट एंगल को। मुकाबला इस बारे में नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि इस बारे में है कि क्या कर्ट एंगल हड्डियों को तोड़ने का नया रिकॉर्ड बना पाएंगे या नहीं। स्ट्रॉन्ग बनाने वाला टॉनिक तो काम ही नहीं कर रहा है। गए आज तो दादाजी, अगर पिया नहीं उन्होंने ये महाशक्तिशाली बनाने वाला ईंधन। और अब रूल्स। आज के इस मुकाबले में हमारे चैलेंजर अमृतलाल जी को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड इस रिंग में बिताने हैं, और कट एंगल को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैलेंजर को इस रिंग से बाहर फेंकना होगा। भाई, फेंकने की क्या जरूरत, मैं अपने आप ही चला जाता हूं। बाबूजी आ जाओ। अब दादाजी, दादाजी सची पी लीजिए महाशक्तिशाली इंधन। हाँ? अरे मुझे नहीं पीना है ये काढ़ा। अरे पी लीजिए। अरे रुकिए।
स्टार्ट फाइट। ये क्या, अमृतलाल जी तो पहले ही राउंड में डर के भागने लगे। दादाजी पी लीजिए ये ईंधन। नहीं 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 का सिक्का हो जाए खुट्टा, बन जाऊ मैं छोटा। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है परियों, हमेशा तुम सच्चाई और अच्छाई के राग गाती रही, इसलिए बुराई के सुर सीख ही नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, अब तुम सब छल परी की गुलाम हो, इसलिए छल परी तुम्हें बुराई के ऐसे सुरताल सिखाएगी कि पृथ्वी लोक के हर बच्चे को बुराई के गीत गाने पर तुम मजबूर कर दोगी। छल छल लल लल छल छल लल छल 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 लल लल छल छल लल छल। अगर ये पत्ता छलपरी के सामने से निकला तो छलपरी मुझे देख लेगी और मैं इस पत्ते की दिशा भी तो नहीं मोड़ सकता क्योंकि इसका नियंत्रण मेरे हाथों में नहीं है। मुझे इस पत्ते को आराम से बिल्कुल उस पंख की तरह सुरक्षा कवच के अंदर ले जाना होगा। छलपरी, अब तुम्हारी बारी सच्चाई के आगे सर झुकाकर उसका हुक्म मानने की। मेरी गुलाम परियों, जाओ और पृथ्वी लोक पर चारों ओर बुराई फैला दो। जो आज्ञा छलपरी। ठहरो परियो, आप सब कहीं नहीं जाएंगी। मानवीर Yeah!
किस तरह अमृतलाल जी कर्ट एंगल की पकड़ में आ गए और कर्ट एंगल की पकड़ से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कर्ट एंगल गुस्से में चिल्ला रहा है और जब कर्ट एंगल हड्डियां तोड़ना शुरू करता है तो वो गिनता नहीं। अब देखना यह है कि अमृतलाल जी कैसे बचेंगे। और ये मैं क्या देख रहा हूं, दादाजी ने कर्ट एंगल के पैर को काट लिया है। दादाजी, कर्ट एंगल को चोट लग गई है और यही सही मौका है। अब जाइए, कर्ट एंगल का पैर खींचे और उसके ऊपर बैठ जाइए, है ना बोलो? दादाजी कीजिए कुछ भी, लेकिन पी लीजिए पहले। नहीं नहीं, ये काढ़ा पीने से अच्छा है कि मैं कर्ट एंगल के पैर खींच लूं। अरे जाओ दादाजी, जाओ जाओ। अरे दादाजी, अरे बम्स। पहले राउंड में तो अमृतलाल जी किसी तरह बच गए, लेकिन अभी भी दो राउंड बाकी हैं। तुम, ये बांसुरी तुम्हारे पास कैसे आई? छल के साथ छल करना हमें भी आता है छल परी। मेरी वशीकरण बांसुरी मुझे वापस दो बालवीर। मैं तुम्हें तुम्हारी बांसुरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगा। सजा के गीत तो मैं गाऊंगी तुम्हारे और तुम्हारी इन प्रिय परियों के लिए। भूलो मत बालवीर कि ये सब परियां मेरे वश में, और अगर तुमने मुझे मेरी वशीकरण बांसुरी वापस नहीं की तो मैं सभी परियों का अंत कर दूंगी। अंत तो अब मैं तुम्हारा करूंगा छल परी। तो ठीक है, परियों सभी एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार हो जाओ। सोच लो बालवीर कि तुम्हें प्यारी परियों का जीवन चाहिए या ये बांसुरी। होने वाला है कोई बड़ा धमाका, भला इसमें है कि भाग लेते हम यहाँ से। भाग 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 भाग। सोच क्या रहे हो बालवीर, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सोच लिया है छल परी कि अब मैं परियों को भी बचाऊंगा और तुम्हारे इस बुराई के खेल का अंत भी करूंगा। परियों आक्रमण। है यही सही मौका, पानी की जगह दे देता हूँ ये मां शक्तिशाली ईंधन। पानी, पानी दो, पानी दो। लीजिए। लाओ।
ये काढ़ा नहीं पीना है मुझे, कोई मुझे पानी पिलाएगा? पानी देती हूँ, पानी देती हूँ, ये लीजिए पीजिए। मुझसे ये नहीं देखा जाता। क्या बाबूजी का पानी पीना? महेश बेटा, अभी सिर्फ दो ही राउंड बाकी है। हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं ना कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो लेकिन हार नहीं मानी चाहिए। आज मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ? दोस्तों सेकंड राउंड शुरू होता है। आप अब इस राउंड में ये देखना है कि अमृतलाल जी का क्या हाल होता है। संभाल के संभाल के। संभाल क्या? चाचा जी। बालवीर है व्यस्त होकर बचाने में परियों को, तो अब बचाने का दादाजी को है बस एक ही रास्ता, और वो है ये महाशक्तिशाली ईंधन। लेकिन पिलाऊं कैसे उन्हें ये ईंधन? दोस्तों कट एंगल ने अमृतलाल जी की चटनी बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि अमृतलाल जी का क्या होगा। मुझे लगा था छलपरी कि तुम्हारे सुरों में ताकत है, लेकिन नहीं, तुम तो डरपोक निकली और यहां आकर छुपकर बैठ गई। मैं छुपी नहीं हूं बालवीर, मैं तो मेरे वार को तैयार कर रही हूं। याद है ना बालवीर, या भूल गए कि छल हमेशा पीठ पर वार करती है। ऐसा लग रहा है बालवीर तुम्हारे बल को मेरे छल के हाथों हारते हुए। तुम अभी जीती नहीं हो छल परी, क्योंकि मैं हारा नहीं। और वैसे भी छल परी अपने घर में तो बिल्ली भी अपने आप को शेर समझती है। लेकिन छल परी बिल्ली नहीं, शेर नहीं है। तुम मुझ पे वार करना चाहते हो ना बालवीर? लो कर लो वार, मैं यहां हूं तुम्हारे पीछे। परी मेरे वार से फिर मात खा गए ना बालवीर, मेरा पूरा लोक एक छल है और इसीलिए अगर मैं दिखती हूं तो मेरे सामने हर जगह शीशे की दीवार, और इसीलिए तुम्हारा किया हुआ वार उल्टा टकरा कर तुम्हें ही लग गया। याद रहे, यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अब मेरा दूसरा बार मरी।
आंखें खोलो बालवीर, ऊपर देखो, तुम्हारे सर पर तुम्हारा अंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये क्या दादाजी, कट एंगल तो गुदगुदी कर रहे हैं। तो दोस्तों सेकेंड राउंड अब खत्म हो गया है, अब बस अमृत लाल जी को एक राउंड तक और टिकना है। चल 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 ऊपर देखो बालवीर, ये मायावी दीवार देख रहे हो? देख लिया? अब इस मायावी दीवार को मैं तुम्हारे ऊपर गिराऊंगी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इसके नीचे दबा दूंगी। ये मायावी छत जरूर उन चार अदृश्य खंभों पर टिकी है जिनसे मैं टकराया था। चल ने कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वो होता है। तो ठीक है चल परी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही छल से हराऊंगा। अगर मैं इनमें से एक भी खंभे पे जादू करूं तो मेरा जादू दूसरे खंभे पे जाएगा और फिर तीसरे और फिर चौथे पे, और चारों खंभे गिरते ही ऊपर की छत नीचे गिर जाएगी। मिल गया तुम्हें तुम्हारे ही वार से खत्म करने का उपाय चल परी। बचने की कोशिश भी मत करो बालवीर, क्योंकि छल लोक के छल को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। बालवीर, मेरे वार से तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है कि तुम मुझे भी नहीं देख पा रहे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा छल परी। तुम्हें अपने बुराई पे घमंड था और मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा, और देखो अंत में मेरा भरोसा जीत भी गया। अरे नहीं देखी जा रही मुझसे दादाजी की ये हालत, मगर मान भी तो नहीं रहे दादाजी मेरी बात और पी नहीं रहे काढ़ा। बेटर इन दोनों ड्रिंक को दोनों खिलाड़ियों के पास ले जाओ, ठीक है? याद रहे जो ये नीला है ये अमृत लाल जी का है, एनर्जी ड्रिंक है इसमें, और ये लाल वाला कट एंगल के लिए है, इसमें पानी। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, पिछली बार की तरह गलती नहीं होनी चाहिए, जो बॉटल जिसकी है उसको वही मिलनी चाहिए।
ओहो गया बिन उपाय दादाजी को महाशक्तिशाली ईंधन पिलाने का। मिला देता हूँ ये ईंधन दादाजी वाले शीशे में। ओके ठीक है, इस बार नहीं भूलूंगा। जाओ लाल वाली कट एंगल की और नीली वाली अमृतलाल जी की। एक मिनट है मुझे आपसे एक काम। अब घूम गई है मेरी माँ की अंगूठी और अगर मिल गई वो तो मेरी माँ देगी आपको पैसे। तुम्हारी माँ की अंगूठी मिल जाएगी तो मुझे क्यों पैसे देगी वो? अरे अगर ढूंढनी वो आपने तो देंगी वो आपको ही पैसे ना। अच्छा कहाँ गिरी थी? यहाँ कहीं गिरी थी, अभी ढूंढता हूँ। अंगूठी अंगूठी इनाम मिलेगा, कहाँ है अंगूठी? कहाँ गई? हाँ हो गया अपना काम, अब तो पीना ही पड़ेगा आपको ये महाशक्तिशाली ईंधन दादाजी। अरे बहुत इनाम मिलेगा। अंगूठी अंगूठी कहाँ अंगूठी? एक मिनट यहाँ ही लीजिए। वो गया था मैं भूल कि नहीं गिरी थी अंगूठी यहाँ बल्कि गिरी थी कहीं और। एक बात भी तुम लोग ठीक से याद नहीं रखते। लेकिन मैं कहाँ जा रहा था? अब पानी देने तुम्हें। अरे नहीं नहीं उन खिलाड़ियों को। याद आ गया, लाल वाली कटंगल की और नीली वाली अमृतलाल जी की। लाल वाली कटंगल की और नीली वाली अमृतलाल जी की। होंगी परिया और बालवीर जानकर ये खुश कि सुलझा लिया मैंने वो उलझन जो उलझी थी मेरी वजह से। अमृतलाल जी। हाँ आप की आप? मैं हूँ। आप लाल टी शर्ट पहनी है ना? लाल वाली आपकी। अच्छा ये लीजिए लीजिए बाबू जी लीजिए लीजिए। बस पीले दादाजी ईंधन मिला हुआ पानी उस नीली वाली बोतल से। अरे आए कैसे दादाजी के पास वो लाल वाली शीशी? अरे तो गई कहाँ वो नीली वाली बोतल? मर गया। ईंधन मिला हुआ पानी तो उस पहलवान ने पी लिया। अब तो हो गया ये शक्तिशाली पहलवान महाशक्तिशाली। अब तो इस उलझन को सिर्फ बालवीर ही सुलझा सकता है। बुलाना होगा उसे। ये सब हमने किया? बालवीर हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कभी हमारे हाथ आप पर वार करने के लिए उठ सकते हैं। जिन बच्चों को हमने हमेशा बुराई से बचाया उन्हीं बच्चों को हम खुद बुरा बना रहे थे। हाँ बालवीर हमने तुम्हारे साथ और बाकी बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। अपनी ही दिखाई हुई सच्चाई की राह पर हम भटक गए थे बालवीर। हमें माफ कर दो बालवीर, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ बालवीर हमें माफ कर दो। नहीं नटखट भरी, आप सब खुद को दोष मत दीजिए। आप सब ने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, छल परी के सम्मोहन में आके किए। शुक्रिया बालवीर कि आपने उस छल परी के वशीकरण बांसुरी को तोड़कर हमें उसके सम्मोहन से निकाला। हाँ बालवीर, वरना वो छल परी न जाने हमसे और कितने बुरे काम करवाती। बालवीर हमें आप पर बहुत ही गर्व है।
अगर आपकी जगह हमें से कोई भी होता तो हम अकेले छलपरी को हरा नहीं पाते। मेरी सच्ची जीत यही है कि आप सब सुरक्षित हैं और छलपरी के नियंत्रण से बाहर हैं और सारे बच्चे भी अब बुरे काम नहीं कर रहे। बालवीर, 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 बालवीर। डुबा डुबा एक मुझे पुकार रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? परियो माँ, मैं पृथ्वी लोक में जाके देखता हूँ कि डुबा डुबा एक मुझे क्यों पुकार रहा है। जाइए पाल। राउंड थ्री। बापूजी भाग क्यों नहीं रहे? भागिए बापूजी, भागिए, वरना वो कॉट एंगल आपको पकड़ लेगा। भागिए। बालवीर, क्या हुआ डुबा डुबा? तुमने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना? बालवीर कर दो मुझे माफ, मेरी वजह से हो रही है तुम्हें देर परियों को बचाने में, लेकिन अगर कर देता मैं और देर तो नहीं बचेंगे यहाँ दादाजी। क्या? हाँ। क्यों? फटू भाई तुम चिंता मत करो, मैंने परीलोक में सब ठीक कर दिया है और अब मैं यहाँ दादाजी को भी बचा लूंगी। क्योंकि क्या है, मुकाबले से डरने वाले कमजोर लोग होते हैं और मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ लड़ाई करूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं तुमसे कमजोर। आप ठहरे प्रोफेशनल रेसलर, तो आपका और मेरा क्या मुकाबला? If you don't want to fight, it's okay. I have no issues. Come on, God, fight! It's your wish. If you don't want to fight, it's completely okay for me. पक्का? ये बापूजी और कर्ट एंगल क्या गप्पे लड़ा रहे? सुनाई भी नहीं दे रहे। ए, गप्पे से याद आया, अगर बापूजी जीत गए ना तो मैं सबको ना गोल गप्पे खिलाऊंगी। हाँ, लेकिन कर्ट एंगल ने लड़ाई शुरू कर दी ना तो बापूजी खुद ही गोल गप्पे जैसे हो जाएंगे। No one can force you to fight, so what's your final decision? मैं लड़ना नहीं चाहता। I don't want to fight. It's okay. The fight is over. The fight is over. Sorry. तो अब मैं जल्द से जल्द दादाजी के पास जाता हूँ। हाँ। और तुम ये ईंधन की शीशी लेकर परी लोग जा। हाँ, जा, जा। है ठीक। बापूजी क्या हुआ? क्या है, नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लूं। लगी क्या नींद? बापूजी मैं पूछ रहा हूँ, आपको कहीं लगा तो नहीं है ना? पहले मुझे उठा यहाँ से। दादाजी अब आप आराम से बताइए क्या हुआ। मैंने कर्ट एंगल से कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा तो उसने कहा ठीक है। वाह, कितना संस्कारी है ये कर्ट एंगल, बड़ों की बात कैसे मानता है। मैच अभी कैंसिल नहीं हुई है। लेकिन क्या बात कर रहे हो, कर्ट एंगल से मैंने पूछा कि मुझे नहीं लड़ना है तो उसी ने तो कहा कि ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेरे पैसे दे दो। चलो लाइए मेरे 1,00,000 रुपए, वरना मैं कर्ट एंगल से कहूंगा कि आपसे फाइट करे। भाई साहब इतने सारे पैसे हम लोग अभी कैसे दे सकते हैं? हाँ। है? तो कर्ट एंगल से लड़ो या आपके परिवार वालों से बोलो कि कर्ट एंगल से लड़े। क्या?
आज लगता है विनर है का दादाजी की जगह मैं लड़ूंगा। पाली दादाजी की जगह मैं लड़ूंगा। बालवीर तुम्हारे पास तो जादुई शक्ति है और इस शक्ति से तो तुम किसी को भी हरा सकते हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस मुकाबले में अपनी कोई भी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। जाइए और बता दीजिए कट एंगल को कि मैं उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं अभी जाके कट एंगल को बताता हूं। अब दादाजी अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूं। You're a kid. I don't fight with kids. मैं बच्चा नहीं हूँ, बी। हाँ, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और मैं तुम्हें इस मुकाबले में चुटकियों में हरा दूँगा। वाह दोस्तों, तो आप आज एक के बाद दूसरा बेहतरीन मुकाबला देखेंगे कट एंगल और बालवीर के बीच में। तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है ये रोमांचक मुकाबला। देखा आपने दोस्तों, कट एंगल ने एक ही वार में बालवीर को बेकार कर दिया। मां शक्तिशाली इंधन पीने से और भी शक्तिशाली हो गया है। Come on, 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 come on,
अपनी ताकत दिखा दी कटेंगल, अब मेरी ताकत मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Let's finish the fight, kid. दोस्तों कट एंगल और बालवीर, और ये बालवीर पीटेगा कट एंगल को हर एंगल से। क्या कट एंगल अपने हड्डियों को डूबने से बचा पाएगा या नहीं? लगता है कर्ट बालवीर से हार जाएगा। मुझे मेरे पैसे मांग लेने चाहिए। बालवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस कर्ट एंगल का हाथ मरोड़ दिया है और कर्ट एंगल चिल्ला रहे हैं। मिस्टर डगलस, आप मेरे पैसे देने के लिए रेडी है ना? कैसे पैसे भाई, कैसे पैसे? बापूजी की जगह बालवीर लड़ी तो रहा है। देखो बालवीर का हिसाब अलग है, आप मैच से पीछे हटे हो, आप लोगों को मेरे पैसे देने होंगे। लेकिन कर्ट एंगल को मेरे साथ नहीं लड़ना है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए कर्ट एंगल मेरा रेसलर है और वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। आपका अंगूठा लगा हुआ पेपर मेरे पास है डगली जी, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मैच से पीछे हटे तो आपको मुझे पैसे देने होंगे। कार्ट बेटा, वो कह रहा है कि अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमें तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मनी मनी वाई मनी, देयर्स नो मनी इन्वॉल्वड इन दिस मैच। कहने का मतलब है कि इस खेल में पैसों का कोई लेन देन नहीं, लेकिन ये तो सबसे पैसे लेते हैं। You took money from people? I always fight for passion, not money. आपके कहने का मतलब है कि आपने हमेशा खेल को खेल की भावना से खेला है। आपको पता नहीं था कि दूसरों से आपको लड़वाकर पैसे कमाता है। No, if I knew it, I would have never fought for this idiot. Yeah, yeah. I fight for fun so everyone can enjoy. मतलब अगर आपको पता होता कि दूसरों से पैसे लेकर आपको लड़वाता है तो आप कभी नहीं लड़ते। कट सही कह रहा है, ये मेरे कहने पे ही लड़ने आते थे। अगर उन्हें पता रहता कि मैं हारने वाले से पैसे लेता हूँ तो वो कभी नहीं आते हैं। Yeah, because I believe that strength and power are to be used for people who are weak. कर्ट एंगल ने एकदम सही बात कही। क्या क्या? ताकत का उपयोग कमजोर को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। या या। और अगर हमें लड़ना है तो बराबर वालों के साथ लड़ो। कमजोर को ताकत और से लड़वाना मुकाबला नहीं कहते, उसे अत्याचार कहते हैं। और पता नहीं ये मैनेजर कब से कितने लोगों के साथ अत्याचार किया है। You're right, Balthier. Because of me, so many people lost their money. But you're going to return each and every penny you took, or else you're gone. हाँ, तुम्हें उनका एक-एक पैसा वापस लौटाना होगा। Shankari, out there. और इस मैच के विनर है
मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गो टू योर सीट्स। अरे तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल क्रिसमस है और कल छुट्टी है। ये! 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 नहीं, जैसे क्रिसमस हर जगह जोरों शोरों से मनाया जाता है, इस बार हमारे स्कूल ने भी सोचा है कि सब बच्चों को क्रिसमस पे पार्टी देंगे। ये! ये! और यही नहीं, पार्टी तो हम करेंगे ही और साथ में मिल के हम सब रात को 12 बजे सेलिब्रेट भी करेंगे। रात को? क्या सर, मजाक मत कीजिए, हमारी स्कूल तो दोपहर में खत्म हो जाती है। हाँ हाँ मेहर, लेकिन पार्टी खत्म नहीं होगी। हमारे स्कूल की पार्टी दोपहर को 3 बजे से लेके रात को 12 बजे तक चलेगी और फिर हम सब साथ में ही रहेंगे। ये! यस! वाओ! क्रिसमस पार्टी में आप सबके लिए पास्ता, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक तो होगा ही और साथ में होगा सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज? सेंटा क्लॉज? सेंटा क्लॉज! तो बच्चों ये बताओ, क्रिसमस में सेंटा क्लॉज कौन बनेगा? आप सर। किसने कहा? सॉरी सर, मैंने कहा। ठीक कहा बल्लू तुमने। मैं तुम सबकी खुशी के लिए सेंटा क्लॉज बन जाऊंगा। तो बच्चों ये है आपका परफेक्ट सेंटा क्लॉज। सर, अगर आप सेंटा क्लॉज बन रहे हैं ना, तो मुझे थोड़े से मार्क्स देना गिफ्ट। हाँ, इसी बहाने मोंटू जीरो से थोड़ा आगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों, क्योंकि ये क्रिसमस पार्टी रात भर चलेगी और आप सबको सारी रात हमारे साथ स्कूल में रहना है, इसके लिए हमको आप सबके पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत होगी। इसलिए इस क्रिसमस पार्टी में सिर्फ वही बच्चे आ पाएंगे जिनके पेरेंट्स उनको परमिशन देंगे। इसलिए मैं अब आप सब बच्चों को एक परमिशन का फॉर्म दूंगा। वो परमिशन का फॉर्म आप घर लेके जाएंगे और अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाएंगे। ओके? ओके सर। एक लाइन बनाओ। मोंटू, चलो पीछे लाइन में आओ। सर, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखनी जा खड़ा होता है ना, लाइन वहां से ही शुरू होती है। आजा चकिल। स्कूल वाले इतना सब कर रहे हैं, मुझे भी बच्चों की इस क्रिसमस पार्टी को और शानदार बनाने के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। केवल ये लड़कियों की लाइन छोटी है, चल उधर चले जाते हैं। हाँ यार, गुड आइडिया। चल मोंटो, तुम्हें कितनी बार कहा स्कूल मोबाइल मत लेके आया करो। सर, मेरे मोबाइल की ये रिंगटोन नहीं है। मतलब तुम स्कूल में मोबाइल लाते हो? यस सर। नो सर। लेकिन सर, ये ट्यून तो जब सांता क्लॉज आता है तब बजाई जाती है। अरे ये आवाज तो बाहर से आ रही है।
सचमुच में सांता क्लॉस तो नहीं आ गए? हाँ? अरे चलो देखते हैं। चलो चलो। रुको, 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 रुको बच्चों मोंटो मेहर। अरे आवाज तो यहीं से आ रही है। पर सांता क्लॉस क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ए, सांता क्लॉस रहेगा तो दिखाई देगा ना। अरे सांता क्लॉस है लेकिन वो बुरे बच्चों को नहीं दिखाई देता। सही बात। थैंक यू। तो फिर तो मोंटो सांता क्लॉस को कभी भी नहीं देख पाएगा। अरे वाह बॉस, ये लोग तो हम सभी अच्छी इंसल्ट करते हैं आपकी। वेरी गुड मानो, वेरी गुड, कीप इट अप। और मानव क्या बाय द वे रोहित केवल तुम दोनों मेरे साइड हो बाकी मानव मैं के समझे तो क्या मेरी इंसल्ट करता है मोंटू उसे छोड़ दे वरना पीट दूंगी हट अरे ये सब छोड़ो उधर सांता क्लॉस देख मानो सांता क्लॉस मुझे भी दिखाई दे रहा है मतलब मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ। मोंटू तू बुरा बच्चा नहीं है ना तो बुरा काम क्यों कर रहा है छोड़ देना मुझे। सॉरी मानो। हेलो बच्चों। हेलो दोस्त। बताओ बच्चों इस साल तोहफे में क्या चाहिए? बालवीर। मानव तुम्हें बालवीर चाहिए? हाँ? नहीं नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सांता क्लॉस नहीं बालवीर हो? हाँ सही पहचाना मानव मैं बालवीर ही हूँ। बच्चों मैं यहाँ सांता क्लॉस का दूत बनकर इसीलिए आया था ताकि आप सबकी क्रिसमस पार्टी और भी शानदार और मजेदार हो जाए। बच्चों आप सबको आइसक्रीम पसंद है ना? बहुत पसंद है। तो कल की पार्टी में आइसक्रीम भी होनी चाहिए और बहुत सारी होनी चाहिए है ना? तो चलो बच्चों मेरे साथ चलो। ये देखो ये है कभी ना खत्म होने वाले आइसक्रीम के नल। हाँ और इसमें तीन तरह के फ्लेवर्स हैं ऑरेंज चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। जब तक तुम्हारी पार्टी चलती रहेगी इसमें से आइसक्रीम कभी खत्म नहीं होगी। और तुम सब बच्चों को केक्स भी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो कल पार्टी में लगेगी कभी ना खत्म होने वाली केक्स की दुकान और उसमें दुनिया भर से तरह तरह की फ्लेवर्स की केक आएगी। और जब तक तुम वो केक खाते रहोगे तब तक वो कभी खत्म नहीं होगी। अरे केक में? हाँ और सबसे खास बात कल होगी पार्टी में चॉकलेट्स की बारिश। चॉकलेट की बारिश। इस साल का क्रिसमस सबसे बेस्टेस्ट क्रिसमस होगा हमारा। बालू जी हमारे गिफ्ट का क्या होगा? मतलब कब मिलेंगे हमें? हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। क्रिसमस हो और बच्चों को गिफ्ट्स ना मिले ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो चलो मेरे साथ। मजा आएगा।
चल परी, परी भयंकर, चल परी, परी भयंकर, चल 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 परी, परी भयंकर, चल परी, भयंकर परी। तौबा तौबा और गोबा गोबा की बेसुरी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन मेरी धुन की तरह ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चूहे, भयानक लोक में चूहे। अरे बेवकूफ छल परी, है नहीं ये मामूली चूहे, है ये हम। गोबा गोबा और तौबा तौबा तुम। अरे मार डाला ने। माना कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों चूहे बन जाओ। अरे खिलाते नहीं आप दोनों हमें कुछ भी सिवाय थप्पड़ के, इसलिए गए थे हम पृथ्वी लोक पे बन के ये चूहा, ताकि खाने मिले कुछ और। दगड़ दूं, हाँ, क्योंकि पृथ्वीलोक के बच्चे मिठाइयाँ, पराठे, सौदे, सब्जियाँ खाते समय नीचे गिराते और उसे हम चूहे बनकर खा जाते हैं। तो फिर वहीं रहकर खाने का मजा लेते रहते, यहाँ क्या खाने आए हो? आपका दिमाग दबा दबा। आप मतलब आपके दिमाग में डालने ये जरूरी बात कि सुना है हमने पृथ्वी लोक में बच्चों को ये कहते हुए कि वो कल मनाने वाले हैं क्रिसमस का जश्न उनकी पाठशाला में, और उपहार बांटने के लिए खुद सांता क्लॉज वहाँ पे आने वाले। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए पृथ्वी लोक पर जश्न की धुन कैसे बजेगी। हाँ। तौबा तौबा और गोबा गोबा, अब हम भी उस जश्न का हिस्सा बनेंगे। हाँ। और खूब खाएंगे। हाँ। हाँ। नहीं, उनकी खुशियों के रंग में भंग डालेंगे। हाँ भयंकर परी, अब देखना, इस बार मैं बुराई के ऐसे सुर लगाऊंगी कि हर बच्चे के मुंह से दर्द की चीखें निकलेंगी। मैं आ रही हूं बच्चों तुम्हारी खुशियों को नजर लगाने। भयंकर छल का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। सुख भरे दिन भी तेरे भैया, दुख भरे दिन आयो रे। सुख भरे दिन भी तेरे भैया, दुख भरे दिन आयो रे। बालवीर जी, आप ये क्या कर रहे हो? कितना प्यारा है। बच्चों, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये बड़ा होकर एक क्रिसमस ट्री बनेगा। इतना छोटा? जैसे दिवाली रोशनी के बिना, होली रंगों के बिना अधूरी है, वैसे ही क्रिसमस क्रिसमस ट्री के बिना और गिफ्ट्स के बिना अधूरा है। पालवी जी, आपने गिफ्ट की बात तो सही कही है, लेकिन आप हमें गिफ्ट दोगे कब? मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा। हा? हाँ, क्योंकि ये क्रिसमस ट्री तुम्हें गिफ्ट देगा। बालवीर जी, इस छोटे से क्रिसमस ट्री में कैसे गिफ्ट आएंगे? हाँ। बालवीर जी, आप हमें गधा तो नहीं बना रहे ना? मोंटू, मैं तुम्हें गधा तो नहीं बना रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गधा बनना है तो मैं तुम्हें गधा बना देता हूँ। नहीं बालवीर जी, नहीं प्लीज बालवीर जी, नहीं। Oh!
क्रिसमस ट्री और बड़ा हो जाएगा और आप सबके गिफ्ट भी इस पर आ जाएंगे। लेकिन बालवीर, अगर ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया तो फिर इसके ऊपर से हम अपने गिफ्ट कैसे उतारेंगे? हाँ। उसका भी उपाय मेरे पास है। हाँ, क्या? लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है बालवीर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हम सब की तरफ से सांता क्लॉस को हाय और थैंक यू कह देना। हाँ। हाँ। मैं क्यों सांता क्लॉस को थैंक यू बोलूं? हाँ? बल्कि तुम सब बच्चे सांता क्लॉस से थैंक यू बोल सकते हो। सांता क्लॉस बोलेंगे? हाँ, क्योंकि इस साल सांता क्लॉस खुद आप सब बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने आ रहे हैं। यस। बच्चों, अपने बाकी साथियों को भी इसके बारे में बता देना। हाँ। और अपने माता पिता से कल के होने वाले क्रिसमस पार्टी के लिए आज्ञा भी ले लेना। मेहर, क्या हमारे पापा हमें जाने देंगे? पता नहीं माना, पर अगर वो नहीं माने तो हमें उन्हें मनाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये क्रिसमस पार्टी बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। जिंगल बॉल, जिंगल बॉल, डूबा डूबा आया रे, सब में बच्चों के लिए उपहार लाया रे। जिंगल बेल, जिंगल बेल, डूबा डूबा आया रे, सब में बच्चों के लिए उपहार लाया रे। क्रिसमस का जितना उत्साह पृथ्वी लोक पे है उतना ही यहाँ डूबा डूबा ओ में है। क्रिसमस का ये लाल और सफेद रंग है ही कुछ ऐसा कि हर कोई इस रंग में रंग जाता है और हर किसी पे सांता क्लॉस को मिलने का भूत भी सवार हो जाता है। और हो भी क्यों ना सांता क्लॉस, बच्चों के प्यारे सांता क्लॉस उनके लिए इतने सुंदर सुंदर उपहार लेकर आते हैं और उनके चेहरे पर खुशियां लेकर आ जाते हैं। पर ये सब अब परियों के बिना नहीं हो सकता नटखट परी, क्योंकि हर क्रिसमस पे आप लोग बच्चों के लिए कितने सारे गिफ्ट्स बनाते हैं। चलिए सांता क्लॉस, आपको हम दिखाते हैं कि इस बार हमने बच्चों के लिए क्या क्या खास तैयारियां की हैं। आप तो हैरान हो जाएंगे देखकर, इस बार हमने परी लोक में बिल्कुल आपके नॉर्थ पोल जैसी ही जगह बनाई है जहाँ पर बच्चों के लिए उपहार बनाए जा रहे हैं। ओके, तो हमें वहाँ ले चलिए। आई कांट वेट, चलिए। साथ में बच्चों के लिए ये उपहार लाया रे। ए रुको, डुबा डुबा भाइयों रुको। अरे क्या हुआ डुबा डुबा? अरे हुई है शान की सवारी बहुत। हा? है अब बारी सांता क्लॉस की गाड़ी की सवारी की। हुँ? चलो। डुबा डुबा भाइयों आ जाओ, चलो लेते आनंद सांता क्लॉस की गाड़ी का। नहीं नहीं, अगर हो जाएगा कुछ नुकसान तो हमें मिलेगी सजा। अरे सजा नहीं, मजा आएगा, बहुत मजा। और डुबा डुबा एक के होते हुए हो सकता है कुछ गलत। नहीं नहीं, हमें नहीं कर दिए सवारी। अरे हो कितने डरते तुम सब लोग। हेटिक, पहले करता हूँ मैं सवारी, फिर बाद में करना तुम सब सवारी। हाँ ठीक है। मानव, अब हम क्या करें? हम पार्टी में कैसे जाएंगे? पापा मानेंगे या नहीं? हाँ महर, हमें कोई अच्छा सा आइडिया सोचना पड़ेगा। चलने वाला सॉक्स। हेलो मानव, हेलो मेहर। मेहर, ये सॉक्स तो बोलता भी है, कौन हो सकता है इसके अंदर? मालूम नहीं। अरे रॉकी चाचू, आप? मैं हूँ। अरे रॉकी चाचू, आपको इतना बड़ा सॉक्स मिला कहाँ से? मेरे पास पहले से एक पुराना लाल ब्लैंकेट था
और एक सफेद पिलो कवर। तो मैंने टेलर अंकल को ये दोनों चीजें दी और इतना बड़ा सा एक सॉक बनवा लिया। मजा आया, मजा आया। रॉकी चाचू मजा नहीं आया, मजा आया मजा। मजा मजा मजा। वैसे रॉकी चाचू मजा भी आया और मोजा भी आया, लेकिन इतने बड़े मोजे का करोगे क्या आप? मेहर तुम्हें याद है ना, लास्ट क्रिसमस में तुमने बालवीर से व्हाइट क्रिसमस की डिमांड की थी और वो पूरी हुई थी। हाँ वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। और मानव तेरी बाइसिकल वाली विश भी तो पूरी की थी ना उसने? हाँ। माना चल। कहाँ? साइकिल चलाने? नहीं पापा को मनाने। सॉरी। देखा इसीलिए मैंने इतना बड़ा मोजा बनवाया ताकि मैं खूब सारे विशेस मांगू, खूब सारे गिफ्ट मांगू अपने परिवार के लिए, शर्मा परिवार के लिए, टंडन परिवार के लिए, कपूर परिवार के लिए। हाँ राखी चाचू, लेकिन अब सांता क्लॉस को इतने सारे गिफ्ट डालने के लिए जगह भी तो बड़ी चाहिए ना। हाँ, तभी तो वो बड़ा मोजा होगा तभी बड़ा मजा आएगा। नहीं बड़ा मजा आएगा तभी तो बड़ा मजा होगा। नहीं बस 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 रॉकी चाचू हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हो, इसीलिए हमारे मोजे के लिए आप अपना मजा दे दो। हमारे मजे के लिए आप अपना मोजा हमें दे दो। हाँ। और रॉकी चाचू कल हमारे स्कूल में क्रिसमस पार्टी होने वाली है और बालवीर ने हमें खुद कहा है कि सांता क्लॉस हमसे मिलने आएगा। हाँ तो इसीलिए अगर हम आपका सॉक्स लेके जाएंगे तो इसी में हम आपका गिफ्ट लेके आएंगे। हाँ, ले लो ले लो ये लो, ये मोजा तुम ले लो ठीक है, ये लो मजा आएगा मजा आएगा। वैसे और क्या होगा क्रिसमस पार्टी में? अरे रॉकी चाचू पूछो मत, बालवीर ने हमारे स्कूल में आइसक्रीम के नल लगाए हैं, उसमें से जितनी सारी आइसक्रीम खाओगे वो खत्म ही नहीं होगी। और हाँ ना खत्म होने वाली केक शॉप भी है, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ और रॉकी चाचू वहाँ पर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री भी है जो हमारे हंसने से बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उस पे गिफ्ट्स भी लटकेंगे। तुम लोगों को कितना मजा आएगा वहाँ पे। रॉकी चाचू मजा लेने के लिए भी परमिशन की जरूरत है और पता नहीं हमें परमिशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी तो कल दोपहर से लेकर अगले दिन तक है। हाँ और हमें वहाँ स्कूल में रात भर रुकना है और हमें पापा का इस परमिशन लेटर पर साइन चाहिए और क्या पता पापा हमें इस पेपर पर अपनी साइन करके हमें परमिशन देंगे या नहीं। देंगे जरूर देंगे, क्योंकि मैं खुद मोटा भाई से बात करूंगा। सच्ची अच्छी। हाँ डुबा डुबा एक करो इस पे नियंत्रण वरना जाओगे गिर तुम जमीन पर। अरे समझाओ मुझे, नहीं समझाओ इसे, आ नहीं रहा ये मेरे नियंत्रण में। ए प्राणी रुक, अरे रुको रुक जाओ, अरे रुक नहीं रहे हैं ये लोग, बचाओ बालवीर बचाओ। बालवीर बालवीर कहाँ हो तुम? डुबा डुबा एक सांता क्लॉस की सवारी पे क्या कर रहा है? डुबा डुबा एक करने गया था सवारी लेकिन पड़ गई उसे भारी। बालवीर आए हो तुम सही समय पे, बचा लो डुबा डुबा एक को, जल्दी बचा लो बालवीर। आप सब चिंता मत करो मैं अभी उसे सुरक्षित नीचे लाता। तमाल के, तमाल के, तमाल
डुबाई, तुम बच्चे नहीं, फिर अपना बचपना क्यों नहीं छोड़ते? क्षमा पालवीर, क्षमा। ए? अरे मैं यहाँ हूँ। क्षमा पालवीर, क्षमा। कोई बात नहीं, पर आगे से ख्याल रखना। बालवीर, उसे हमें बचाने के लिए तुम हमेशा सही समय पे आते हो। वैसे तो तुम बच्चों के बीबी भी हो, पर हमारे लिए आज से हो तुम सेंटा क्लॉज। खेलो गाओ धूम मचाओ, डरना मत बच्चों, बालवीर आएगा तुम्हें बचाने को। खेलो गाओ धूम मचाओ, डरना मत बच्चों, बालवीर आएगा तुम्हें बचाने को। खेलो गाओ। पाव किलो राजमा, आधा किलो तुअर की दाल। अभी मम्मी की तारीफ करती हूँ, फिर वो खुश होकर हमारे लिए पापा से क्रिसमस पार्टी पे जाने की परमिशन ले लेगी। कितनी अच्छी है ना? हाँ, इतनी अच्छी है ये सब्जी, एकदम फ्रेश है। मैं सब्जी की नहीं, मैं मम्मी की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, कभी गुस्सा भी नहीं करती और हमेशा फ्रेश रहती है, और इसीलिए हम दोनों को लगता है कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये काम हम कर लेंगे, आप आराम करो, ओके? बच्चों, तुम चाहे मेरी जितनी तारीफ कर लो, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करती। पर क्यों मम्मी? क्यों क्या, क्रिसमस पार्टी में कौन जाना चाहता है? हम। और वहाँ जाकर केक और पेस्ट्रीज कौन खाना चाहता है? हम। तो फिर पापा से परमिशन कौन लेगा? हम। क्या मम्मी, आप हम दोनों के लिए इतना ऐसा भी नहीं कर सकती? नहीं, ये देखो, एक पैकेट बोला था, मेहुल भाई ने दो बटर के पैकेट भेज दिया, अब क्या करूं? भाभी, मुझे ब्रेड पे मक्खन लगा के दे दो। ठीक है, पापा के आते ही हमें उन्हें अच्छे से मक्खन लगाना पड़ेगा। पापा खुश तो परमिशन पक्की। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। सब लोग शातिर और चालाक हो गए हैं। क्या हुआ महेश, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? स्वीता, मैं एक घंटे से कड़ी धूप में बस की लाइन में खड़ा था। तो फिर? एक भिखारी मेरी ओर आया। हाँ। उसने कहा कि मैं बड़े दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है, कुछ पैसे दीजिए। मुझे जरा दया आ गई, मैंने उसको 20 रुपए की नोट दे दी। अच्छा किया। हाँ, स्टोरी अब शुरू होती है। 20 रुपए लेते ही उसने ऑटो पकड़ा और वहां से चला गया। भलाई का जमाना नहीं रहा है। महर, पापा का मूड तो ऑफ है। तो मैं मूड ऑन कर दूं? नहीं चाचू। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन चलो कल के पार्टी की परमिशन ले। महर, हम आज पापा से यहाँ कहलवा कर ही आएंगे। चल, चल। आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं। अच्छा, गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आऊं? नहीं। अच्छा ठीक है, आपके लिए गरम पानी रख दो नहाने का? नहीं नहीं नहीं। अरे सुनिए ना, सुनिए तो। अब हम क्या करें, पापा तो हर बात पे नहीं 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 बोल रहे हैं। अगर हमने अभी उनसे परमिशन मांगी तो वो हर बात पे नहीं नहीं बोल रहे, तो इस बात पे भी नहीं बोलेंगे। हाँ मैं, और फिर हमारे आइसक्रीम्स, केक्स और चॉकलेट की बारिश, वो सब खाना तो दूर, देखने को भी नहीं मिलेगा। अब बताओ, पापा से बात करो? नहीं नहीं। तो तुम भी नहीं करोगे? नहीं, कल सुबह उठते हम पापा को एकदम फ्रेश फ्रेश मक्खन लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से मक्खन लगाना, ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह वेस्ट हो जाए। अच्छा, तो मानव है कल सुबह मोटा भाई को ये मक्खन लगाने वाले। आइए सांता क्लॉज।
नटखट परी, परीलोक का ये स्थान तो नॉर्थ पोल से भी ज्यादा सुंदर है, है ना सांता क्लॉस? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, जब आप आगे उस स्थान पे जाएंगे जहाँ बच्चों के लिए उपहार बन रहे हैं तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। ओके देन, जल्दी से जल्दी हमें उस स्थान पर लेके चलिए। ठीक है, चलिए। ये देखिए सांता क्लॉस, परीलोक के उपहारों की फैक्ट्री। खुश रहो सांता क्लॉस, खुश रहो। खुश रहो परियो। देखा आपने सांता क्लॉस, हम परियां बच्चों के लिए कितने प्यारे प्यारे उपहार बना रही हैं। सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि आप सब परियों ने मिलके तो कितने सारे उपहार बना रहे हैं। सांता क्लॉस बालवीर, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉस इज कमिंग अलोंग राइडिंग ऑन हिज स्लेह। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो सांता क्लॉस, खुश रहो। आप बिल्कुल सही समय पर आए हो सांता क्लॉस, बस बच्चों के लिए उपहार तैयार ही होने वाले हैं। हमें मालूम है बालवीर, पर बालवीर माय चाइल्ड, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी तुम बच्चों में उपहार बांटने हमारे साथ धरती पर आओगे ना? हाँ जरूर सांता क्लॉस, वो कार्य जिससे बच्चों को खुशी मिले उसका भागीदार बालवीर जरूर रहेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।